अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टैक्टो अहमद में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं टैक्टो अहमद और मैं हूं अहमद फराज। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से अपनी मोबाइल की स्क्रीन को अपने लैपटॉप या पीसी पर प्रोजेक्ट या उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उसे अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप पर चला भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ सेटिंग्स करना होगी। सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर अब आपको डेवलपर्स ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपके ये ऑप्शन शो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आप सिंपली अबाउट डिवाइस में जाएं। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर अब आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, तो आपने इसको क्लिक कर देना, इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पर बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बिल्ड नंबर, तो आपने वहाँ पर 5-7 टाइम टैप कर दें, टच कर दें। तो मैं देखता हूँ क्या होता है। नो न्यू डेवलपर्स मोड हैज ऑलरेडी बीन अनेबल्ड, तो मैंने इसको पहले से इनेबल किया हुआ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम डेवलपर्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो ये कि डेवलपर्स ऑप्शन खुद ऑन होना चाहिए। या ब्लू मार्क देख रहे हैं, इसका मतलब है ये ऑन है। उसके बाद यहाँ पर USPD बगिंग, तो इस चीज़ को भी आपने मार्क कर देना या इनेबल कर देना। तो ये तो वो स्टेप्स जो हमें अपने एंड्रॉयड में करने थे। इसके बाद जो हमें स्टेप्स करने हैं वो अपने लैपटॉप में करने हैं। आप सिंपली ब्राउज़र खोलें अपना और यहाँ पर सर्च बार में लिखते हैं मिरर डोर। यहाँ पर अब आप देख लें, फर्स्ट साइट आ रही है ऑफिशियल मिरर गो एंड्रॉयड रिकॉर्ड, इसे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ट्राई इट फ्री या बाय नाउ। ट्राई इट फ्री में आपको जो कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि एड्स शो होंगी। सिंपली जब मैंने ट्राई किया तो सिर्फ एक ही एड शो हो रही है। ट्राई इट फ्री भी बहुत अच्छा फीचर है, तो आप ट्राई इट फ्री ही कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे बाय करूँ फिर बाय भी कर सकते हैं। ट्राई इट फ्री कर लें, आप इसे डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपने देख लिया कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो सिंपली यस करके आपने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही है, USB या फिर वाईफाई। USB दरअसल बहुत ही आसान है, तो वाईफाई ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो USB पे क्लिक कर दें और अपने मोबाइल को USB के साथ कंप्यूटर के साथ कर दें। तो यहाँ पर मेरी मेरी जो डिवाइस है वो डिटेक्ट हो रही है ऑटोमेटिकली। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर मेरी जो डिवाइस थी उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके यहाँ पर इसने लॉन्च कर दिया है, मिरर कर दिया है। तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन ये पॉपअप दिखाई देगा, द ऐप मिरर गो विच सक्सेसफुली फॉर द कनेक्शन विल बी इंस्टॉल्ड ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइस। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप अपने फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं तो इससे ज़रूरी होता है। अब आपके जो मोबाइल एंड्रॉयड है उसमें भी ये इंस्टॉल होना ज़रूरी होता है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप सिंपली जब भी कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली USB को अपने मोबाइल के साथ, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन लैपटॉप पर शेयर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।